नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं विकास गौर रियल फार्मा एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आलू के किसान भाई और मक्का के किसान भाई इस वीडियो को जरूर देखें। दोनों ही किसान भाइयों के लिए काफ़ी ज़्यादा खुशखबरी वाली जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, कल की वीडियो में मैंने बोला था कि जो लोग किसान भाइयों का आलू 400 रुपये पैकेट में बिकवाना चाह रहे थे जून के महीने में, वो लोग आपको नज़र नहीं आएंगे, या अभी से ही नज़र नहीं आ रहे तो आगे तो वैसे भी नहीं आएंगे। क्योंकि किसान भाइयों, वो लोग ये कह रहे थे कि किसान भाई अभी 500 रुपये चल रहा है, जल्दी से जल्दी बेच लें, जून के महीने में तो 400 रुपये हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आलू तो और ऊपर की तरफ भाग रहा है। तो इस वजह से जो भविष्य के बारे में बता रहे थे वो तो अब चले गए यहाँ से। अब बात आती है कि आज की कंडीशन को देखते हुए आलू का चल क्या रहा है और हो क्या सकता है। तो देखिए, इस बारे में तो मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ कि ये आपके लिए हर महीने ऐसे ही आएंगे उतार चढ़ाव वाले। किसी महीने में डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी तो किसी महीने में बहुत ज़्यादा ओवर भी डिमांड रहेगी, जिसके लिए आपके आलू को ढूंढा भी जा सकता है। तो इसी वजह से मैं आपसे कहता हूँ कि किसान भाई हर महीने के हिसाब से अपना रोटेशन बना के आलू को बेचें, या परसेंटेज निकाल लें कि मुझ पर इतना आलू है, 10% के हिसाब से मुझे बेचना है या 20% के हिसाब से मुझे बेचना है। भाइयों, आप इस प्रकार फ़ायदा ले सकते हो। लेकिन अब मैं आपके लिए एक ज़रूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, अभी की हम बात करें, ज़्यादातर किसान भाइयों के खेतों में मान लेते हरी सब्जियां हैं, तो वो हरी सब्जियों को जो 10 से 15 दिन बाद जुताई करने वाले थे, लेकिन इस बार 2023 में ऐसा हो रहा है कि उनको 10 से 15 दिन पहले और हरी सब्जियों को जोतना पड़ रहा है। इसके बारे में मैं आपको क्यों बार बार कह रहा हूँ, इस बात को आज इस वीडियो में समझ लीजिए। देखिए, आप इस चीज़ पर खुद अंदाज़ा लगाइए कि हर साल लगभग 25 जून के बाद या जुलाई में ही धान की रुपाई होती थी हर साल, लेकिन 2023 में तो कुछ ऐसा हो रहा है कि हमको भी पहली बार ऐसा लग रहा है हमारी साइड में कि जून के महीने में 80% धान की रुपाई हो जाएगी हमारी साइड। क्योंकि यहाँ पे किसान भाइयों, युद्ध स्तर पे धान की रुपाई चल रही है, मौसम ठंडा है जून के महीने में, जो काफ़ी ज़्यादा लू चलती थी, रेत उड़ते थे, वो आज नहीं देखने को मिल रहे हैं। बारिश पड़ रही है, जून के महीने में भी बारिश पड़ रही है, मई के महीने में भी बारिश पड़ी, यही चीज़ है कि जो आलू में अच्छा कर सकती है। अभी से ये हाल है, जो महीने ऐसे होते हैं ये मई और जून के जिसमें आलू की खपत कम होती है, लेकिन ऐसे अगर बारिश पड़ती रही तो खपत इसी महीने से बढ़ती चली जाएगी। तो जो हमारे टेंशन थी ना, निकासी नहीं हो रही है, तो वो पूरी हो जाएगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और काफ़ी लोगों को लग रहा है कि अभी मेरे रेट पे आलू पहुंचेगा तब मैं बेचूंगा, तो उनके रेट पे भी लगभग पहुंच सकता है, कोई भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। क्योंकि माहौल ही ऐसा बनना है कि देखिए, अब लगातार डेली अगर ऐसा मौसम रहता है तो हर किसी की इच्छा करेगी आलू खाने की। अगर आलू हर घर पर खाया जाएगा तो आलू की सीधी सी बात है डिमांड बढ़ना तय है, और आलू की डिमांड बढ़ेगी तो आपके कोल्डों में व्यापारी उस आलू को लेने की कोशिश करेंगे। अगर आप नहीं दोगे तो उसमें कुछ पैसे बढ़ा के लेने की कोशिश करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि फिर आपके आलू में 10-20 रुपए का उछाल धीरे धीरे देखा जा सकता है, जिससे आप लोगों के लिए फ़ायदा मिलना तय है। क्योंकि अभी तो जुलाई का महीना आना बाकी है, काफ़ी लोग तो ये कह रहे हैं कि जून में तो भीषण गर्मी पड़ेगी। बिल्कुल मानता हूँ, जो तूफान आया था उससे पहले गर्मी पड़ रही थी, लेकिन आज सब कुछ बढ़िया है। और फिर 2 से 4 दिन बाद फिर बारिश बता रहा है 26 से 27 जून के आसपास, तो इसका मतलब ये है कि बारिश लगातार पड़ती रहनी है, फिर जुलाई में बारिश पड़ेगी। तो कहने का मतलब माहौल अच्छा बना रहेगा, तो हमारे किसान भाई आराम से फ़ायदा उठाते रहेंगे आलू का। लेकिन अब वो लोग गायब हो जाएंगे जो आपके आलू को सस्ता बिकवाने के लिए बात कर रहे थे। देखिए, ज़्यादातर सभी मंडियों में डिमांड एक साथ बढ़ने की उम्मीद बताई जा रही है, साउथ हो या नॉर्थ हो या कहीं पे भी हो, हर जगह आलू में बढ़ने की उम्मीद बताई जा रही है। हर जगह बारिश पड़ रही है, हर जगह ही माहौल एक सा ही देखा जा रहा है। अब इसमें एक और आपके लिए ज़रूरी जानकारी दे दूँ, जो लोग गन्ने का जूस या और भी ठंडी चीज़ बेच रहे थे वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे, और सब्जियों की डिमांड और आलू की डिमांड ये बढ़ती चली जाएगी, जिससे हमारे किसान भाइयों के लिए बेनिफिट होना तय है। मैं आपको आलू के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मक्का के किसान भाइयों के लिए जरूरी बात तो बता दूं। अभी जो आप वीडियो देख रहे हो ये काफ़ी लेट में बना रहा हूं, क्योंकि देखिए सुबह से मैं बिजी था और हमारे यहाँ मक्का को निकालने के लिए कंबाइन आई थी। अब कंबाइन से मक्का निकाली जा रही थी, एकदम बढ़िया तरीके से कंबाइन ने मक्का निकाली है। किसान को कुछ नहीं करना है, केवल अपने खेत पर और ट्रैक्टर और ट्रॉली लेके वहाँ पे पहुँच जाना है, यानी उस मक्के को भरने के लिए। बाकी सब काम कंबाइन कर रही है, ना मजदूर की ज़रूरत है, ना कुछ किसी भी चीज़ की ज़रूरत है। अभी देखिए, जो बारिश का सब मौसम हो रहा है, इस समय आप क्या करोगे? अगर मजदूरी पे कराओगे तो आपके 4-5 दिन निकल जाएंगे, जिसमें आपकी मक्का में कोई भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन कंबाइन से एक साथ कटवाने के बाद कोई भी दिक्कत नहीं है, धान की आसानी से रुपाई भी आप कर सकते हो उसको मिट्टी में ही मिला के मक्के को। तो उसकी वीडियो मैं आपके लिए जल्द दे दूंगा, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में आपको मिल जाएगी कि मक्का की कंबाइन कैसे निकासी कर रही है
और भाइयों उस मक्के की जो वीडियो है उसमें मैं काटने से लेके उसको पूरी तरह हार्वेस्टिंग करके किसानों की ट्रॉली में कैसे वो डाल ली है यहाँ तक की पूरी वीडियो बनाई है, तो उस वीडियो को जरूर देखना। अब देखिए किसान भाइयों, आलू के लिए तो बहुत अच्छा माहौल है। अभी मैं एक कोल्ड में नज़र पड़ी है, उसमें 4 से 5 गाड़ी आज लोड हो रही है, जो कि उसमें से लगभग छोटी गाड़ी थी 3 और एक गाड़ी तो सबसे बड़ी थी और एक ट्रैक्टर लोड हो रहा था। कहने का मतलब लोकल मंडी के लिए कोई ट्रैक्टर लोड हो रहा था, मतलब 4 से 5 भान थे उस एक कोल्ड में ही। ठीक है, ये किसान भाइयों माहौल हर कोल्ड में ही जरूर देखने को मिल सकता है, आज नहीं तो कल, और यही देखने को मिलेगा कि आलू की डिमांड तो रहनी है। अब देखिए बात आती है, जो लोग किसानों के लिए डराने की बात करते हैं या गुमराह करने की बात करते हैं, तो हमने तो जब हर महीने के हिसाब से आलू बेचना है तो हमें डरने की क्या बात है। किसी महीने में आलू ज़्यादा बिकेगा तो किसी महीने में कम बिकेगा, लेकिन जो लोगों के दिमाग में ये है कि किसान अभी पूरा आलू बेच दें और पीछे जाके हम मजे ले लें, या किसान भाइयों का पीछे जाके आलू फेंक जाए, तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। दोनों ही चीज़ हम तो ये चाहते हैं कि अगर हमारे किसान भाई आज 500-550 रुपये का आलू बेच रहे हैं, तो आने वाले टाइम में कोई भी तेज़ी का माहौल बनता है तो वो भी हमारे किसान भाइयों को मिलना ही चाहिए, जिससे उनका एवरेज एकदम बढ़िया आना चाहिए, जिससे वो अच्छा मुनाफा कमा सकें। लेकिन आज 2023 के बारे में जो लोगों को इतना डराया गया था, अगर ये माहौल बदल जाता है तो मैं कह रहा हूँ कि ये हमारी अच्छी तरह जीत हो जाएगी, तो हम इसी प्रयास में लगे पड़े हैं। अब किसान भाइयों बात करते हैं आज के आलू के भाव के बारे में, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा बेंगलोर मंडी की। बेंगलोर में बिकास 700 से लेकर 850 रुपये पैकेट, और चेन्नई मंडी की बात करें, चेन्नई में बिकास 16 से लेकर 17 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी है तो 75 रुपये किलो। अब बात करता हूँ किसान भाइयों में गुवाहाटी मंडी की। गुवाहाटी मंडी में आगरा का आलू 15 से लेकर 16 रुपये किलो, और BIP क्वालिटी का आलू है तो 70 रुपये किलो यहाँ बिका है। फरुखाबाद की बात करें, फरुखाबाद का गुवाहाटी मंडी में बिका 14 से लेकर 15 रुपये किलो, ज़्यादा बढ़िया BIP है तो 15.5 यहाँ पे बिका है। अगर किसान भाइयों जयपुर मंडी की बात करें, 10 से लेकर 11 रुपये किलो, BIP तो 11.5 रुपये किलो तक के यहाँ भाव रहे हैं। और किसान भाइयों देखिए हर जगह बारिश का सा माहौल है, इस वजह से ये रेट आपको देखने को मिल रहे हैं। और दिल्ली मंडी की बात कर लेते हैं, दिल्ली मंडी में कल की 35 गाड़ी बैलेंस है, आज 86 गाड़ी लगभग पहुंची है। स्टोर की गाड़ी की बात करूं 55 गाड़ी पहुंची है। सूर्या की बात करूं 8 गाड़ी हैं, सूर्या की 9 गाड़ी हैं, चिप्सोना की 8 गाड़ी हैं, LR की 12 हैं, और यहाँ पे गुजरात की 2 गाड़ी पहुंची हैं, और पहाड़ से भी आ रही हैं, मतलब हल्द्वानी वगैरह शिमला से भी एक एक गाड़ी लगवा आ रही है। तो इस समय चिप्सोना सूर्या की कम आ रही है और डिमांड बढ़ जाती है तो आलू में रेट भी बढ़ सकता है। वैसे भी अलीगढ़ के सूर्या आलू में 50 रुपये की तेजी चल रही है आजादपुर मंडी में 2-3 दिन से गाड़ी कम पहुंचने की वजह से। यहाँ पर 37-97 की बात करें, 550 से लेकर 580 रुपये, यानी ज़्यादातर आलू आज सही रेट में बिके हैं, 580 रुपये तक के भी अच्छे खासे सौदे बहुत हुए हैं आलू के। चिप्सोना की बात करें 550 से लेकर 650 रुपये, बढ़िया क्वालिटी है तो 670 रुपये तक वहाँ बिके हैं अलीगढ़ का आलू। और चौड़ोसी वाला बिका 650 से लेकर 750 रुपये तक चिप्सोना। अब सूर्या की बात करें, सूर्या अलीगढ़ का बिका है यहाँ पे 650 से लेकर 800 रुपये, यानी जो सूर्या 750 तक बिक रहा था जबलपुर मंडी में, अब 800 रुपये तक के भी सौदे वहाँ पे हो रहे हैं। और चौड़ोसी वाले सूर्या की बात करें 800 से लेकर 950 रुपये, बढ़िया क्वालिटी है तो 10-20 रुपये भी बढ़ जाते हैं। T7 की बात करें 650 से लेकर 700 रुपये, 710-720 रुपये भी यहाँ पे बिक जाता है अगर अच्छी क्वालिटी का T7 है। और हाईब्रिड की बात करें 450 से लेकर 550 रुपये, बढ़िया क्वालिटी का। 550 रुपये में जो हाईब्रिड बिक रहे हैं वो ख्याति और मोहन वगैरह बढ़िया क्वालिटी के चमकदार आलू बिक रहे हैं। बात करते हैं किसान भाई मुंबई मंडी की। मुंबई में आज 12 से लेकर 13 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का है तो 14-14.5 रुपये किलो तक यहाँ बिका है। और MP का आलू यहाँ पर बिका 17 से लेकर 20 रुपये किलो। अब किसान भाइयों बात करते हैं मुंबई मंडी की। मुंबई मंडी में UP का बिका है 12 से लेकर 13 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी है तो 14-14.5 रुपये किलो तक आज बिका है। और MP का बिका है 17 से लेकर 20 रुपये किलो। अब मुंबई के बारे में एक आपके लिए इंटरेस्टिंग बात बता दूँ, मुंबई में कुछ हमारे यहाँ के लोग वहाँ पर गन्ने का जूस बेचने जाते हैं, अलीगढ़ क्षेत्र से कुछ लोग जाते हैं वहाँ पर गन्ने का जूस बेचने, लेकिन वो लोग अब वहाँ से अपने यहाँ आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे अब गन्ने का जूस नहीं बिक पा रहा है क्योंकि वहाँ पे ठंडा मौसम हो चुका है। अब ठंडा मौसम ज़्यादा हो चुका है तो इसकी वजह से तो आपको पता ही है आलू की डिमांड बढ़ना तय है, और यही चीज़ है कि आपको थोड़े बहुत आने वाले टाइम में भी उछाल देखने को मिल सकता है। पुणे मंडी की बात करें 12 से लेकर 13 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी तो 14 रुपये किलो। और किसान भाइयों ये रहे आज के आलू के भाव, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए जल्द ही मक्का की जो निकासी की है कंबाइन ने वो वीडियो मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।